आपने तैयार है। मेरे पहाड़ी भाइयों, बुजुर्गो, नौजवान साथियों, मेरी बहन कमाई है, शेर में एक भी काफी होती है। ये मेरे पुंछ की शेरनियां बैठी हुई है, महिला मोर्चा जिंदाबाद। ये शेरनियां बैठी हुई है, जब ये शेरनियां अपने महल में गूंजेंगी, मोदी साहब दिल्ली में सुनेगा। बुजुर्गो, नौजवान साथियों, सबसे जो मुझे ज्यादा खुशी है कि नौजवान आज ज्यादा तादाद में, यही जो नौजवान है, यही सारी कौम को आगे लाने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए मैं नौजवानों का जो हमारे बात देता हूँ कि आप जागे हैं। जब किसी कौम के नौजवान जाग जाए तो वो दिन धोनी है कि जब उनकी कोई चीज है वो पूरी ना हो। आपने जागने नौजवानों ने एक एक घर में फिरकर इस मूवमेंट के लिए, ये जो पहाड़ी कम्युनिटी की मीटिंग यहाँ हो रही है, इसके लिए आपने बड़ी बाखूबी से, बड़े बाइज तरीके से, किसी की पकड़ी नहीं छानी, ये पहाड़ियों का जो कोर है यही रहना चाहिए। पहाड़ी तहजीब वाले लोग हैं, हमें किसी की पकड़ी नहीं छानी, हमने अपने मकसद के लिए अपनी इसी सरकार में हमें रहना है और इसी सरकार को हमने मजबूती इनका हाथ पकड़ना है। आज आप देखें कि अभी लोग कह रहे थे कि अगले चीफ मिनिस्टर रैना साहब एक और पहाड़ी को अजमाओ। चीफ मिनिस्टर क्या आपकी जेब में होगी? मोहता साहब आप पहाड़ी को धोखा किया, वो नजर नहीं आई, वो काम नहीं है क्या? वो रीजनल पार्टी है क्या? सेंटर की पार्टी है? मैं आपकी पार्टी जी से हटकर आज बात करूंगा। हम पहाड़ियों के लिए किसी हद तक नहीं जा सकते हैं। पहाड़ियों के लिए हम पार्टी पार्टी से उठकर भी काम करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, हम हमेशा यहाँ हाजिर रहते हैं। आपने देखा कि हमने कौम की हिम्मत की है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, आज मरकज सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन हमें ये नहीं समझते कि बीजेपी की गवर्नमेंट है। हमें चाहिए हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत है, हमारी हुकूमत है। हम इस बॉर्डर पर रहकर साहब हमने हिंदुस्तान को मजबूत रखा है, इन मेरी बहनों ने, इन मेरे नौजवानों ने बॉर्डर को मजबूत रखा है। जम्मू में आराम की नींद सोते हैं, नरेंद्र भाई मोदी भी राम की नींद सोता है, क्योंकि ये पहाड़ है और उनको इंसाफ हमने दे दिया है। इस बात को छोड़े, आप आगे मजबूत किया था, क्योंकि हम पूंछ रजौरी से 1 लाख की वाली से आपका खिताब करेंगे और रजौरी में उसी प्रोग्राम को मुकम्मत हर जहाँ ये बताया जा रहा है कि रजौरी में अपनी जगह में है जहाँ ये लोग बैठेंगे। तो मैंने ग्राम देव साहब ने मुझे कहा था कि बैठने की जगह बांटने की खुशी हुई थी, यहाँ से हमें खुशी है, मगर इस खुशी को हमने समय देखने को कहा है। मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं और उनके जम्मू कश्मीर आने पर पहले 1 अक्टूबर को रजौरी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन अब हमारे वजीर दाखला होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब 1 अक्टूबर के बजाय 4 अक्टूबर को रजौरी में आएंगे और अमित शाह साहब के रजौरी की 4 तारीख मंगलवार को जो रैली होगी उसमें इन बॉर्डर के दोनों डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ की आवाम शिरकत करेगी। एक जन सैलाब, एक जन समंदर 4 अक्टूबर को मंगलवार के दिन रजौरी सलानी बस स्टैंड के पास होने वाली इस रैली में एक जन सैलाब उमड़ के आने वाला है। यहाँ पुंछ हो, सुरनकोट हो, मेंढर हो, इन तमाम एरिए से भी बड़ी तादाद में लोग उस रैली में शामिल होंगे, जिसमें हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब उस रैली को एड्रेस करेंगे। क्या लगता है पहाड़ी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि पहाड़ी कोई मिलने वाला है? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से पहली मर्तबा
पहाड़ियों का जिक्र किया था और वो पहली मर्तबा हुआ था कि पहाड़ियों का जिक्र लाल किले से 15 अगस्त आजादी के जश्न के उस दिन मोदी साहब ने पहाड़ियों का जिक्र किया था और कहा था कि जो पहाड़ी हैं, जो मेरे भाई बहन पहाड़ी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। और फिर 24 अक्टूबर 2021 को होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जब जम्मू आए थे तो 6 मर्तबा उन्होंने पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों की जितनी भी दरपेश मुश्किलात थी वो मोदी सरकार ने दूर की हैं, वहीं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों, बाल्मीकि हों, गोरखा समाज के लोग हों, जम्मू कश्मीर की खवातीन हों, उनको हक दिए हैं। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हमारे भाई बहनों को जमीनों के मालकाना हक, इंटर डिस्ट्रिक्ट की नौकरियां और पॉलिटिकल रिजर्वेशन, और गुजर बकरवाल कम्युनिटी से एक मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से नॉमिनेट किया। सब का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी साहब का मिशन है। और मुझे लगता है कि जैसे हर एक कौम का काम मोदी साहब ने किया है, यकीनन पहाड़ी कबीले के लोगों को भी मोदी साहब इंसाफ देंगे। लेकिन ये सरकार किसी के हकूक कमतर नहीं करेगी। हमारी सरकार का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, पहाड़ी कबीला भी हमारा है, गुज्जर बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, जम्मू के डोगरे, कश्मीरी, सब हमारे हैं। मोदी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के भाई बहनों से ये अपील करता हूं कि वो घबराएं नहीं, परेशान ना हो जाएं। 70 साल गुज्जर बकरवालों को यहां के हुक्मरानों ने दबाया, उनको हक नहीं दिए, ना जमीनों के मालकाना हक, ना उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ना कोई उनका मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा भेजा गया, और उल्टा इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां गुज्जर बकरवालों की बंद करने वाले कौन हुक्मरान थे, वो दूसरी जमातों के थे। आज मोदी साहब ने इंटर डिस्ट्रिक्ट के काले कानून को खत्म करके गुज्जर बकरवाल बच्चों को उनके हक दिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देके गुज्जर बकरवालों का भला किया, जमीनों के मालकाना हक देकर जंगल के अंदर रहने वाले गरीब गुज्जर बकरवाल परिवारों को जमीनों के मालकाना हक देकर उनको, उनके साथ इंसाफ किसने किया? मोदी साहब ने। आज इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को मेंबर पार्लियामेंट बना के राज्यसभा में भेजा, किसने? मोदी साहब ने, वो भी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से वाबस्ता हैं। इसलिए हम सबको मिलकर रहना है, समाज में जहर घोल के सियासत नहीं करनी है। किसी का हक कोई खा नहीं रहा, किसी के हक पर कोई डाका पड़ नहीं रहा, तो परेशान होने की क्या जरूरत है? सर, जो बात यह है कि वो अभी बात की बात है, उसकी एक गैजेट जो इशू होगी उसमें वो सारी चीजें क्लियर होंगी। मीटिंग यहाँ पर हुई, बड़ी कामयाब मीटिंग थी, काफी तादाद में लोग आए होते। आज हमारी बहनें, नौजवान, बुजुर्ग साहब आए, सभी ने यही डिमांड रखी है पहाड़ी कबीले की जो मीटिंग है कामयाब होनी चाहिए। और जब होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं रजौरी में, तो पहली तारीख उनका पता नहीं होगा, अब पोस्टपोन हो गया, 4 तारीख हो रहे हैं। सब ने अपील की, सब लोग वहाँ जाएंगे। और इस बार मेरा ख्याल है कि ये पहाड़ियों को, पहाड़ी को जो है, इनको ये एससी मिलने वाला है। तो मेरा अपील है, बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं है, बात है ये पहाड़ी का मसला है। होम मिनिस्टर जब आ रहा है तो वो सबका है, होम मिनिस्टर है, तो सभी लोग जाएंगे। और सबसे हमने अपील भी की है, सिटी वालों से भी, कि जिस तरह भारी तादाद में यहाँ हमारी बहनें, नौजवान बुजुर्ग है, वो भी सब निकले और अपने अपनी गाड़ियाँ लेकर 4 तारीख को रजौरी पहुँचे। तो मेरा ख्याल है कि इस बार पहाड़ी कबीले की कामयाबी है,
और जो सबसे ज्यादा मैं अपील करता हूँ नौजवानों से कि आप सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात करें, किसी की पकड़ी मत उछालें, क्योंकि आप अपने काज के लिए आप लड़े तो मेरे ख्याल है इस बार वो कामयाबी मिलने वाली है। आप और रवि गुप्ता जो है जनशक्ति सदस्य दोनों आए थे, यहाँ एक मीटिंग बड़ी आला मीटिंग हुई, बड़ी जिसमें सब लोगों के सब तक तबके के लोगों ने, हिंदू मुसलमान सिख लोगों ने शमूलियत की, तमाम पहाड़ी कबीले के लोगों ने शमूलियत की। और मैं समझता हूँ कि जो अब डेट तो बदल गई है, वो डेट 4 अक्टूबर को चली गई है, क्योंकि वज़ीर आज़म जो जापान का वज़ीर आज़म था थोड़ी चले गए हैं। तो मेरी मुझे लगता है और मुझे तवक्को है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो मोदी साहब ने लाल किला से कहा है और जो अमित शाह साहब ने 4-7 बार नाम लिया और जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने आज से 1998 में जो फैसला किया था दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कोई ये देंगे। और मुझे ये भी लगता है कि आज लोग जाग चुके हैं, यहाँ यहाँ से लोग मैं कह दूँ कम से कम 1 लाख आदमी ये जाएगा यहाँ से पोलिंग स्टेशन से और 4 तारीख को जाएगा और वहाँ पे जाके तो ये डिमांड। और जैसा आप कह रहे हैं कि ये डिमांड मिलनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपकी माध्यम से ये कह रहा हूँ कि अगर ये हमें मिल जाता है ना, तो आज हमने ये डिमांड की कि ये POK जो पाकिस्तान का एक पार्ट कश्मीर है, वहाँ भी गुजर और पहाड़ी रहते हैं, वो एरिया भी यहाँ पे लिया जाए, वहाँ के पहाड़ी गुजर को भी छूट दिया जाए, इनको भी दिया जाए, तो एक यकीन दहानी है। और सबसे बड़ी गल है कि यहाँ के लोगों ने ये कहा कि अगर ये हमें मिल जाता है तो मैं बिला लिहाजो मजो मिलू बिला पार्टी पार्टी से हम सपोर्ट करेंगे और देंगे, क्यों ना देंगे, अगर हमें हमारे बच्चों का मुस्तकबल, हमारे देश का मुस्तकबल, यहाँ की एकता का, उमन का, भाईचारे का, सबसे बड़ा देश है हिंदुस्तान है, और इसकी मजबूती के लिए वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी शुक्रिया अदा करना चाहिए आप मीडिया हजरात का।